हेलो चिल्ड्रन, हम लोगों ने द लैंड ऑफ राइजिंग सन और अ ट्रिप टू जापान, ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो गया। मैंने आपको याद होगा बताया था एक लिस्ट तैयार करने की, हम लोग ने इन दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, इस पोएम और प्रोज को पढ़ने के बाद जापान के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हासिल की। उम्मीद है आपने लिस्ट बनाई होगी। मैंने उन्हीं लिस्टों के आधार पर आपके लिए की वर्कशीट तैयार किया है बच्चों, जो आपके बुक में तो नहीं है पर बुक से ही है। तो अगर इस वर्कशीट को करोगे बड़ा मज़ा भी आएगा, समझो इसे गेम समझ के करो और हमेशा के लिए आपको ये जानकारी याद भी हो जाएगी। आप चाहो तो मेरी तरह इसी तरह कलरफुल वर्कशीट तैयार करो A4 साइज़ पेपर में, या नहीं तो सिर्फ आप जो जो मैं अभी पढ़ूंगी वो एक साइड लिख सकते हो और एक दूसरे साइड उसको मैचिंग का, ये मैचिंग है एक्चुअली, तो इस तरह क्लाउड्स बना के आप करो, या नहीं तो सिर्फ लिख लो एक साइड। ये 18 क्लाउड्स मैंने बनाए हैं, तो 9 इस तरफ 9 इस तरफ, कौन उससे मैचिंग होगा ये तो आपको मालूम है, उधर लिख लेंगे उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में। तो मैंने ऐसे ही उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में पूरे पेज में कुछ क्लाउड्स बनाए हैं, है ना, तो इसे मैच करना है। देखिए ये वर्कशीट 1 द लैंड ऑफ राइजिंग सन जो पोएम है Unit 4A का, तो इसे मैच करना है। सबसे पहले मैं देखिए धीरे धीरे आपको बढ़ा रही हूँ, आप चाहो तो इस तरह का बनाओ। तो फर्स्ट में है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, इस क्लाउड में हमने लिखा। नीचे आइए, चेरी ब्लॉसम, बुलेट ट्रेन, ब्यूटीफुल गार्डन्स, जूडो। फिर इसी का इस तरफ मेरा नहीं हटा तो कुछ और मैंने लिखा है, जैसे किमोनो, अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, अ फॉर्म ऑफ वेस्टलिंग। ऊपर से देखिए फिर इस साइड वाले जो वर्ड्स हैं उसके लिए, अ ट्री, फूजी माउंटेन, लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट्स, फास्टेस्ट स्पीड, जापान, नेचुरल एंड यूनिक, काबुकी एक्टर्स, ये बीच में मैंने डाल दिया, नहीं हटा था इधर, जुजित्सु, ट्रेडिशनल ड्रेस, अ मार्शल आर्ट। इस तरह से अब आपको पता ही है, जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन हमने कहा, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन आप हम लोग ढूंढेंगे इसमें से वो किससे मैच कर सकता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ कोर्स हम लोग जापान को बोलते हैं, तो इसको देखिए जापान ढूंढेंगे कहाँ है, जापान यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग इसको और इसको मिला रहे हैं, बीच में एक आ रहा है, लेकिन हम ऐसे खींचेंगे लाइन कि ये इस पर कम भी क्रॉस करे इसको। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाने के लिए पेंसिल से कर रही हूँ, यहाँ तक लाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो बना देंगे ताकि पता चले लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। यहाँ तक आ गया, मैंने पेंसिल से किया, अगर आप सबको पेंसिल से करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन किससे मैच कर रहा है। तो जब इस तरह का अगर वर्कशीट आप बनाओ तो आप भी इसी तरह से कोई स्केच से या किसी कलर पेंसिल से अलग अलग कलर से मैच करो, तो पता चलेगा अगर ये रेड से मैच हुआ, ये ग्रीन से मैच हुआ, वो ब्लू से मैच हुआ, तो पता चलेगा कौन किससे मैच हो रहा है, ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम क्या है, फूल था, अगर कहीं फ्लावर है तो ठीक है, फ्लावर का नहीं मिल रहा हमें, ढूंढेंगे तो अ ट्री, तो वो ट्री विशाल, वो वृक्ष में होता है, चेरी ब्लॉसम के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, तो ये पौधा नहीं होता है वो, तो इसको हम लोग इससे मिलाएंगे, है ना, और यहाँ पे हम लोग एक एरो बना देंगे और इसको फिर डिफरेंट दूसरे कलर से मिलाना। इस तरह से आप अगर इन सब को एक बार मैंने दिखा दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन, चाहो तो एक साइड खाली लिख के भी कर सकते हो, इतना क्लाउड व्लाउड ना बनाओ पर ये ब्यूटीफुल लगता है। चेरी ब्लॉसम, बुलेट ट्रेन, ब्यूटीफुल गार्डन्स, जूडो। इधर से आइए, फूजी माउंटेन, फास्टेस्ट स्पीड, जापान, नेचुरल एंड यूनिक, ट्रेडिशनल ड्रेस, मार्शल आर्ट, जुजुत्सु, अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, किमोनो, काबुकी एक्टर्स, लुक डाउन फ्रॉम इट्स हाइट्स और अ ट्री। तो इस तरह से जहाँ तहाँ हम लोग बना लेंगे और उसको मैच करेंगे। ये हुआ पोएम से द लैंड ऑफ राइजिंग सन से। वर्कशीट 2 जो है वो दूसरा वर्कशीट वो मैंने बनाया है अ ट्रिप टू जापान से, Unit 4B का ये लेसन Worksheet 2। देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसमें कुछ और हमने ये कर दिया है कि आपको कुछ पहचान ही जल्दी से आ जाएगा, जैसे ये वॉल्केनो जैसा ही बना दिया मैंने, वॉल्केनो माउंटेन ही बना दिया है, तो वॉल्केनिक माउंटेन है। नेक्स्ट है सुनामी,
फिर है इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब विद्युत से चलने वाली वस्तुएं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, लेबोरियस। और यहाँ एक चीज़ मैंने कर दिया है थोड़ा चेंज, देखिए यहाँ लिखा है डोरे मोन, है ना, यहाँ DOREMON, लेकिन आप ऐसा नहीं बनाना डोरेमोन, मैंने ऐसे ही आपको थोड़ा अच्छा लगने के लिए बना दिया, लेकिन आप इसमें भी एक क्लाउड ही बना देना, डोरेमोन लिखने देना। फिर इधर है पोकेमोन, गुड बाय, ठीक है, यहाँ तक मेरा ये दोनों नहीं है अटल लंबाई में, इसलिए मैंने इधर बना दिया। फिर इधर से आइए ऊपर से, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फूजी, देखिए फूजी को भी मैंने माउंटेन का शेप दे दिया है, तो ये दोनों माउंटेन तो माउंटेन से मिल ही जाएगा, ये तो आपको पता ही चल रहा है, वॉल्केनिक माउंटेन फूजी ही है, तो यहाँ से यहाँ मिला ही देंगे। फिर है जापानीज नेम, टीवी सीरियल, हेल्थ कॉन्शियस, सायोनारा, कंप्यूटर गेम, और बीच में कुछ है देखिए, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मतलब खाद और कीटनाशक दवाएं, क्रिएट हेल्थ हैजर्ड मतलब स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, हार्ड वर्किंग। इस तरह इसमें इतने आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें 20 क्लाउड्स बनाए हैं मैंने, अगर इसका मतलब है 10 10 का मैचिंग है, 10 इधर 10 इधर, और इसमें था 18 का यानी 9 9 का, तो इतना क्लाउड्स आप बना लोगे। और इस तरह तो पहले देखो इसमें भी, यहाँ भी आपको मैं कह रही हूँ अलग अलग कलर से आप मैच करोगे, ज़्यादा सुंदर भी लगेगा और पता भी चलेगा कौन किससे मैच हुआ। मैं जानती हूँ मेरा वर्कशीट बहुत लंबा बन गया है, अभी एक और थर्ड बनाती तब इसमें से थोड़ा कम कम होता, तो आप चाहो तो छोटा भी बना सकते हो। वॉल्केनिक माउंटेन, ये फूजी से है, वॉल्केनिक माउंटेन कौन है जापान में, फूजी है, तो इसे फूजी से मिलाएंगे हम लोग, और यहाँ पे एक एरो बना देते हैं। तो सुनामी, सुनामी हम लोग जानते हैं कि समुद्र में आता है, और कैसे आता है, उसके नीचे जब तक ये ना हो, हलचल ना हो, या फिर सुनामी नाम कहाँ से आया, तो इस तरह से हम लोग खोजेंगे। अगर सी से रिलेटेड कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ये जापनीज नेम है, यहाँ से आया था, हमने पढ़ा था कि सुनामी एक जापान से ही सबसे पहले ये नाम आया था, ये जापनीज नेम है, तो ये सुनामी इससे मैच करता है। इस तरह आपको जो मैंने पढ़ाया उस वीडियो से, इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के साथ होगा, आप ढूंढो इंडस्ट्रीज, इधर वाले से तो नहीं, इधर वाले से ही ढूंढिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, क्रिएट हेल्थ हैज़ार्ड नहीं होगा इंडस्ट्रीज से, हार्ड वर्किंग नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जापान की इंडस्ट्रीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है, तो इससे हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से मैच कर देंगे। इस तरह से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो एक बार मैं सारा मैचिंग ही बता देती हूँ, इंडस्ट्रीज़ को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि जापान के बने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पूरे विश्व में बिकते हैं। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है वो हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड है, हेल्थ कॉन्शियस मतलब जो जापान के लोग हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस है, ये तो यहाँ से मिलेगा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन हेल्थ कॉन्शियस से मिल रहा है। उसके बाद लेबोरियस, हम लोग जानते हैं हार्ड वर्किंग, लेबोरियस को ही कहते हैं। डोरेमोन, अब आप ही बताओ डोरेमोन क्या है, टीवी सीरियल है तो यहाँ से यहाँ मिलेगा। पोकेमोन कंप्यूटर गेम्स है तो यहाँ से मिलेगा। ये बाय कर रहा है तो बाय, ये जो बाय कर रहा है ये सायोनारा से मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, इससे मिलेगा, क्रिएट हेल्थ हैजार्ड, क्योंकि ये दोनों ही हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं, हो गया। इसी तरह से मैं एक बार फिर से ये वर्कशीट वन में बता देती हूँ, कौन किससे मिलेगा, राइजिंग सन तो जापान से आपको पता चल ही गया, चेरी ब्लॉसम अ ट्री, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन फास्टेस्ट स्पीड से मिलेगा, तो इसके ऊपर से क्रॉस करके साइड से ले जाएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल गार्डन्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स जो है वो नेचुरल और यूनिक था, आप देखिएगा पोएम में, तो यहाँ से यहाँ ये मिलेगा, नेचुरल एंड यूनिक। जूडो, जूडो क्या था, एक मार्शल आर्ट है, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। उसके बाद
किमोनो, किमोनो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, देखिए यहाँ से यहाँ मिलेगा वो। फिर ये काबुकी एक्टर्स अमेजिंग एंड ग्रेसफुल, ये इस दोनों से मिलेगा। और जुजित्सु अ फॉर्म ऑफ रेस्टलिंग, ये इससे मिलेगा। हो गया, इस तरह से ये दोनों वर्कशीट अगर आप कर लेते हो तो आपको जापान से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी और हमेशा ये याद रहेगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।